हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि नंदमुरी बाला कृष्णा की अपकमिंग फिल्म NBK 107 का पहला टीजर रिलीज किया गया है। टीजर एक एक्शन मसाला फिल्म की तरह है जिसमें बाला कृष्णा जबरदस्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। बाला कृष्णा की फिल्म हो और पंच लाइन ना सुनने को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस टीजर में भी कुछ पंच लाइन सुनने को मिल रहे हैं। तो टीजर ठीक ठाक है, बाकी देखेंगे कि फिल्म कैसी होती है। ना ही अभी फिल्म का टाइटल कंफर्म है और ना ही फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म की गई है। तो देखते हैं इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। सालार के नए शेड्यूल की शूटिंग कल 8 जून से हैदराबाद में स्टार्ट की गई है। खबरों की माने तो हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में की जा रही है, जहां पर फिल्म के कुछ खतरनाक एक्शन सीन शूट किए जाएंगे। हैदराबाद की इस फैक्ट्री में फिल्म को करीब एक हफ्ते तक शूट किया जाएगा। 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म समर 2023 में रिलीज होगी। साल के एंड तक फिल्म का टीजर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सालार फिल्म से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है। एक बड़ी खबर ये भी है कि DC की मच अवेटेड फिल्म ब्लैक एडम के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। ट्रेलर अच्छा है, खास करके ड्वेन जॉनसन का लुक काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम के रोल में नजर आएंगे। तो ड्वेन जॉनसन का लुक और उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लग रही है। बाकी देखना होगा कि ब्लैक एडम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। मैं मारता हूँ। DC के सबसे पॉपुलर करेक्टर जोकर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो ये खबर सुन के आपको काफी ज्यादा खुशी होगी कि 2019 में आई DC की सुपरहिट फिल्म जोकर का सिक्वल आने वाला है। जी हाँ, फिल्म के मेकर्स ने जोकर के सिक्वल को अनाउंस कर दिया है। टॉड फिलिप्स, जिन्होंने पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था, वही इसके दूसरे पार्ट को भी डायरेक्ट करेंगे। टॉड फिलिप्स ने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि जोकर का सिक्वल आने वाला है, जिसमें एक बार फिर से जॉकिन फोनिक्स ही जोकर के रोल में नजर आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। ज्यादा चांसेस हैं कि ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। हनुमान फिल्म में से माइकल का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। माइकल हनुमान फिल्म का मैन विलन होगा, जिसके रोल को विनय राय प्ले कर रहे हैं। यहाँ इस पोस्टर में विनय राय काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। हनुमान एक सुपर हीरो फिल्म होगी, जिसे तेलुगु के साथ साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, ये पहली सुपर हीरो फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज होगी, इसलिए मैं तेजा सज्जा सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र में से अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। बहुत जल्द फिल्म के और कलाकारों के फर्स्ट लुक पोस्टर आने वाले हैं। ये भी एक सुपर हीरो फिल्म है जो 9 सितंबर को रिलीज होगी। रणबीर कपूर के फिल्म का ट्रेलर 15 जून को आने वाला है। शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक और टाइटल अनाउंस किया गया है। इस फिल्म का नाम प्रिंस होगा, जिसमें शिवा कार्तिकेयन लीड रोल में नजर आएंगे। अनुदीप KV, जिन्होंने जाति रत्नालु फिल्म को डायरेक्ट किया था, वही इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो जाएगी और ये फिल्म 31 अगस्त को रिलीज होगी। विक्रांत मेसी राधिका आप्टे की अपकमिंग फिल्म फोरेंसिक के ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है। ट्रेलर काफी ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है। यहाँ इस ट्रेलर में पुलिस और फोरेंसिक की टीम एक ऐसे कातिल की तलाश में है जो बच्चियों का मर्डर कर रहा है। ट्रेलर काफी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है। ये फिल्म 2020 की सुपरहिट मलयालम फिल्म फोरेंसिक की रिमेक है। इस रिमेक फिल्म को G5 पर 24 जून को रिलीज किया जाएगा। हमें जिसकी भी तलाश है वो लगभग एक 10 से 12 साल का बच्चा है सर। खबरों की माने तो अनन्या पांडे, जानवी कपूर और सारा अली खान करण जौहर की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में कैमियो रोल में नजर आएंगे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगी और ये फिल्म 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। मिस मार्वल के पहले एपिसोड को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। टोटल 6 एपिसोड हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है। आने वाले हर बुधवार को एक नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा। अगर आप सारे एपिसोड एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको 13 जुलाई का इंतजार करना होगा, क्योंकि फाइनल एपिसोड 13 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। तो किस किस ने मिस मार्वल के पहले एपिसोड को देखा है और ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।